हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। तो गाइज, मैं आपको बस बताने वाला हूँ आप फ्री फायर हेडशॉट के बारे में। तो गाइज, आई एम श्योर आप अगर आप वीडियो टाइप करके देख रहे हो तो आपने सब करके ट्राई कर लिया है, फिर भी आपका हेडशॉट नहीं लग रहा है गाइज। तो मैं आपको बता दूँ, आप एकदम सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, मैं कोई सेटिंग नहीं बताऊँगा। जैसे सब बकचोदी करते हैं वैसे मैं बकचोदी नहीं करने वाला हूँ गाइज। मैं आपको दो तीन चीज़ ऐसी बताऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है, जो आप खुद कर सकते हो, कोई सेटिंग नहीं है। नॉर्मली बस आपको कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी DPI के रिगार्डिंग, ठीक है, वो भी देखना इम्पॉर्टेंट है, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ये वीडियो एंड तक देखना, एंड ऑफ द वीडियो, वो वीडियो मैं डाल देता हूँ। जैसे वीडियो ख़त्म होगा लास्ट में वो वीडियो भी दिखाएगा आपको DPI का, तो प्लीज़ वो देख लेना, तब ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका हेडशॉट लगने का मतलब जो रीज़न है, वो आपका हेडशॉट क्यों नहीं लगता है। आपका हेडशॉट लगता है किससे? फायर बटन से, ठीक है। आप जब फायर करते हो तब, तो गाइस आपका फायर बटन का साइज़ होना कितना चाहिए, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका फायर बटन का साइज़ होना चाहिए 55 के नीचे, बिलो द 55% के नीचे होना चाहिए, ठीक है, साइज़ इसका, तभी आपके हेडशॉट लगने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। मेन ये है, ठीक है। आपका ये तो हो गया फायर बटन का। अब सेकंड थिंग गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, आपने फायर बटन तो परफेक्ट कर लिया है, ठीक है, फायर बटन आपने 55% साइज़ उसका 55% से बिलो कर लिया है, बट ये होना कहाँ पे चाहिए गाइस? आपका अभी जहाँ फायर बटन है वहाँ आप चेक करो, थोड़ा सा फायर बटन नीचे रखना, ठीक है। जैसे आपका फायर बटन नीचे रहेगा, आप लोग को दिख रहा होगा, एकदम लाइट होगा, फिर भी आप लोग को दिख रहा होगा। देखो ये जो फायर बटन है ना, वो नीचे होना चाहिए। आपका जितना फायर बटन थोड़ा नीचे रहेगा, हेडशॉट लगने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं, ठीक है। हेडशॉट लगने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं आपका फायर बटन जितना नीचे रहेगा। फायर बटन का साइज़ सही हो गया, फायर बटन होना कहाँ पे सही है चाहिए वो भी सही हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ आप हमने कवर किया अभी। तो गाइस, ये दो चीज़ होने के बाद आपका 100% हेडशॉट, मतलब जो हेडशॉट का रेंज है वहाँ तक तो आप पहुँच चुके हो 90%। अब जो 10% बचा है वो कहाँ पे बचा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइस। अगर आप हेडशॉट मारते हो, पर बंदे के आजू बाजू से गोली निकल जाती है, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आप जो फायर करते हो वो एम लगा के नहीं करते हो कभी भी। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी ये बंदे को मैं पहले मार लूँ, ये बंदे को मारने के बाद ये देखो गाइस, अभी जो मैं मार रहा हूँ बंदे को, आप नोटिस करो ये जो रेड डॉट है, रेड डॉट आने के बाद ही आपको ड्राइव उठाना है कभी भी, ठीक है। रेड डॉट जो आता है आपके फेस के सामने, वो रेड डॉट आने के बाद ही आपको हेडशॉट ड्रैग उठाना है, ठीक है, तभी आपको हेडशॉट उठाना है। आप कोई भी मेरा हेडशॉट देख लो, मेरा रेड डॉट आने के बाद ही मैं हेडशॉट मारता हूँ, ठीक है। देखो रेड डॉट आया, इसके बाद ही मैं ड्रैग उठाता हूँ। तो इतना आपको ध्यान रखना है हेडशॉट मारते समय, और हेडशॉट मारते समय आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। देखो अभी जैसे मैं हेडशॉट मारा, मैं एक ही जगह पे खड़े होकर हेडशॉट मारा गाइस, ठीक है, खड़े होकर ही आपको हेडशॉट मारना है। अगर आप मूवमेंट करते हो तो आपका हेडशॉट नहीं लगता है, ठीक है, और मार सकते हो हेडशॉट। देखो ये वीडियो में मैं कैसे जंप करके हेडशॉट मारा, क्योंकि बंदा भाग के आ रहा था मेरे पास, मैं मारा उसको जंप करके, क्योंकि उसका हेड नीचे ही था, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको मूवमेंट नहीं करना है, बिना मूवमेंट का आपको हेडशॉट मारना है। और अगर आप मार रहे हो तो, अगर मूवमेंट करके मार रहे हो तो आपका एम जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। अब ये वीडियो में देख लो, देखो रेड था तभी मैंने मारा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।